नमस्कार नमस्कार, मैं अरुंधति नाग बोल रही हूँ बेंगलोर से। तो आपको मैं हमारे थिएटर के सामने का जो हाल है ये दिखा दूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव टॉक। तो ये हमारा रंगशंकरा थिएटर है और मैं इसके बाहर खड़ी हूँ। फिलहाल तो सब कुछ बंद है। कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कोई शोज़ नहीं हुए, पर हम पूरी तैयारी में हैं। बिल्डिंग को साफ रखते हैं और हमारा टीम यूं मास्क पहने हुए है। ये हमारे मैनेजर हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं और ये हमारी सिक्योरिटी है, ये बुद्रा है जो मुझे हेल्प कर रही है। ये सब हमारे रंगशंकरा के वर्कर्स हैं जो ठहरे हुए हैं कि कभी थिएटर फिर से खुलेगा, फिर से शोज़ होंगे। ये हमारा कैफ़े है, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ कॉफ़ी पी रहे हैं, मास्क पहन के ऑर्डर करते हैं। पर पूरी तैयारी में हैं हम लोग कि जल्द ही वैक्सीन ढूंढ निकालेंगे और थिएटर फिर से शुरू होगा। तो मैं आपको ऊपर हमारे जो ऑडिटोरियम है वहाँ ले जाऊंगी और वहीं से बात करूंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िद है कि वी आर नॉट गोइंग टू लूज़ हार्ट, वी आर ऑल गोइंग टू कीप आवर स्पिरिट्स हाई एंड वेट फॉर द डे व्हेन वी विल ऑल बी एबल टू डू प्लेज अगेन। इनोवेट इन द मीन टाइम, ट्राई टू थिंक ऑफ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिएटर। और अब ये मीडियम भी आ गया है हम लोगों के हाथों में, ये मीडियम आ गया है कि वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, दिस ऑनलाइन मीडियम। कितने लोगों ने, जिन्होंने एक दूसरे के साथ कई सालों से बातचीत नहीं की, वो आज बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपने थिएटर बनाने के तरीके को। तो मैं तो बहुत सीखी हूँ इस दरमियान। पेशेंस, ये हमारे इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग के एक्सपर्ट हैं हमारे रंगशंकरा के थिएटर में, मुदरना। 36 साल से ये थिएटर लाइटिंग करते आ रहे हैं और इन्होंने भी पूरा थिएटर तैयार रखा हुआ है परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं अभी आ गई हूँ ऑडिटोरियम में। ये रंगशंकरा का ऑडिटोरियम है, ये यहाँ की सीटिंग है। स्टेज में ले लाइट हाकी मुदना। हाँ, तो ये हमारा ऑडिटोरियम है। आई वोंट वेस्ट योर टाइम एंड आई एम गोइंग टू सिट इन द ऑडिटोरियम एंड स्पीक टू ऑल ऑफ यू। तो आज की ये मुलाकात अपनी है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अबाउट माय आइडिया ऑफ थिएटर। आई रियली डोंट नो वेदर आई हैव एनी डिफरेंट आइडिया ऑफ थिएटर। मैं तो बस एक साधारण सी एक्ट्रेस थी जिसे छोटी उम्र में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए। मैंने आई हैव नॉट हैड ट्रेनिंग, पर बचपन से ही डांस की ओर लगाव था, पेंटिंग की ओर लगाव था। माता जी गाती थी तो गाना अच्छा सुना हुआ था, और महाराष्ट्रियन होने की वजह से कुछ मराठी नाटक भी देखे बम्बई जाने के बाद। यानी 10 साल की उम्र में हम दिल्ली छोड़ के बम्बई गए थे। उसके बाद बहुत मराठी थिएटर देखने को मिला, कमर्शियल मराठी थिएटर, तो उसका ढांचा अलग होता है, पर एक फिनिश्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला। इससे पहले की बात में आई, फर्स्ट एक्सपोजर टू थिएटर वाज वेरी स्ट्रेंजली दिल्ली में। हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट में काम करते थे, सर्विस में थे, और नेताजी नगर में घर के पीछे एक मैदान था, वहाँ पे हर साल रामलीला हुआ करती थी। और हर साल सीता का रोल किया जाता था एक सरदार जी से। सरदार जी के लंबे लंबे बाल थे और वो यूं मुंह पर मुंह ढक के गाना गाते थे, बन बन भटकता हूँ तेरे बिन सीते प्यारी, इतना तक कि ये गाना मुझे याद भी हो गया था। और हमें कभी नहीं लगा कि मर्द सीता का रोल कर रहा है, हमें हमेशा लगा कि ये तो औरत ही है। और उसकी जो सारी वेदनाएं थी, सारी तकलीफें थी, छोटी थी मैं बहुत, पर वीवर उसके साथ हमारा स्पंदन हो रहा था, ऐसे कहिए। तो ये मेरा पहला एक्सपोजर था एक नाटक देखने का,
फिर हमें ले गए थे हमारे पिताजी असली रामलीला देखने, रामलीला ग्राउंड्स में. वहाँ तो एवरीथिंग वाज क्वाइट वेरी फिनिश्ड, बट द फैसिनेशन वाज देयर, द फैसिनेशन ऑफ प्लेइंग, रोल प्लेइंग, वॉचिंग समबडी एल्स प्लेइंग समवन एल्स. उसी के साथ हम बम्बई आए. बम्बई में एक स्कूल में नाटक करने को मिला, तो स्कूल में चूंकि हम हिंदी अच्छी बोल लेते थे और इंग्लिश भी बोल लेते थे, तो हर साल हमें स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में थिएटर करने का मौका मिला. उसी तहत डेस्डिमोना का रोल किया, उसी तहत विक्टर ह्यूगो का नाटक था बिशप्स कैंडलस्टिक्स, उसमें भी पार्ट करने का मौका मिल गया. और जब कॉलेज गए तो कॉलेज में हिंदी नाटक करने का मौका मिल गया. क्योंकि बम्बई के लोग बम्बैया हिंदी बोलते थे, हम ज़रा अच्छी सी हिंदी बोल लेते थे, तो हिंदी भी नाटक में छोटा सा रोल मिल गया. और मेरा पहला अवार्ड था इप्टा के कंपटीशन में, कॉन्सोलेशन प्राइज मिला था मुझे. तो बिल्कुल नीचे से शुरुआत की है मैंने, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा काम करके. पहले ही बारी में मुझे मेन रोल नहीं मिला था. और जब इप्टा ज्वाइन किया तब ये बड़े बड़े लोगों को देखा, थिएटर वालों को देखा. कैफी साहब थे, हंगल साहब, मनमोहन कृष्ण, रमेश तलवार, ये सब लोग रिहर्सल करते थे. और देखने को मिला कि अ पर्सन कैन एक्चुअली मेक अ चॉइस ऑफ विच कंट्री ही वॉन्ट्स टू बी इन, अ पर्सन कैन मेक अ चॉइस ऑफ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही वॉन्ट्स टू फॉलो, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी. दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई गॉट टू सी इप्टा ज्वाइन करने के बाद. वहाँ शमा जैदी थी, वो सत्यू की बीवी भी थी और उनकी अपनी आवाज़ थी. शौकत कैफ़ी थी, वो कैफ़ी आज़मी की बीवी भी थी और उनकी अपनी आवाज़ थी. वो जब रोल करती थी तो वो उनका राज था. और आई थिंक बहुत छोटी उम्र में ऐसे लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है कि आपके भी आइडियाज़ फॉर्म हो जाते हैं. वरना मैं, आई वॉज द डॉटर ऑफ अ सिंपल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट द पोलिटिकल लीनिंग्स ऑफ द फैमिली वर, और हाउ डज पोलिटिकल लीनिंग्स एक्चुअली कन्वर्ट टू डिसीशंस ऑफ विच कंट्री यू वॉन्ट टू बी इन. हाउ डज इट कन्वर्ट टू वॉट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी यू हैव इन द वर्क दैट यू क्रिएट, इन द बुक्स दैट यू रीड. सो फॉर मी इट वॉज अ रियली वेरी फॉर्मेटिव टाइम इन माई लाइफ, एंड आई कॉन्ट थैंक anybody more than everybody at IPTA who were there in those formative years of mine. Whatever I am today really come from all those messages of independence and individuality that I got from all the people at that time. So my idea of theatre really was formed much much later, क्योंकि मैं बम्बई में, मैंने कमर्शियल थिएटर किया है मराठी, मैंने कमर्शियल गुजराती थिएटर किया है, इप्टा के साथ काम किया है जो आप पैरेलल थिएटर कह लीजिए गुजराती में, उसमें पगला घोड़ा और तोखार जैसे नाटक किए हैं. तो जब मैं वो कर रही थी आई वॉज क्वाइट पॉपुलर इन दैट मोल्ड ऑल्सो, एंड आई केम अवे टू बैंगलोर एंड आई गॉट मैरिड. तो अचानक से 23 साल की उम्र में मेरी जब शादी हो गई और मैं यहाँ पर बैंगलोर आ गई, पता चला कि यहाँ पे तो हिंदी थिएटर करने वाले कोई नहीं है और यहाँ पे सिर्फ कन्नड़ा थिएटर है. तो कन्नड़ा मुझे भाषा सीखनी पड़ेगी. थोड़ी मुझे कन्नड़ा आती थी क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए हैं कर्नाटका में, पर घर में कोई कन्नड़ा बोलता नहीं था, तो सिर्फ गालियाँ आती थी कुछ तीन चार. और कन्नड़ा वैसे आई हैड नो वोकैबुलरी. पर यहाँ आने के बाद एक चीज़ पता चल गई मुझे कि अगर मैंने कन्नड़ा भाषा नहीं सीखी तो मैं शायद यहाँ पे कन्नड़ा थिएटर थिएटर ही नहीं कर पाऊँगी. 40 साल पहले बैंगलोर में इतना कॉस्मोपॉलिटन क्राउड नहीं था. बैंगलोर वॉज नॉट येट द IT कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया.
हम शंकर, मेरी शादी हुई मेरे ही हम उम्र शंकर नाग से। शंकर भी वहाँ बम्बई में थिएटर में बहुत काम करता था, और वो ज़्यादा छविलदास के थिएटर में काम करता था, तो ही वॉज कम्प्लीटली इन अ पैरेलल थिएटर मूवमेंट। और शंकर यहाँ बैंगलोर आ गया था सिनेमा करने, तो सिनेमा करते करते कमर्शियल सिनेमा में काम कर रहा था। तो एक दिन उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि अगर मैं बस यूं ही सिर्फ सिनेमा करता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे यहाँ थिएटर ग्रुप शुरू करना है, तुम आओगी, मेरी मदद करोगी? तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगी, और आई केम टू बैंगलोर एंड दैट इज़ हाउ आई केम, दैट्स आई सेड दैट आई केम हियर बिफोर माई मैरिज, आई केम हियर एंड देन वी गॉट मैरिड। हमने किया था प्ले गिरीश कर्नाड का अंजू मल्लिगे, और उस जमाने में वो यहाँ के मिडिल क्लास सभ्यता को, जो तेंदुलकर के प्लेज ने बंबई में किया एक ज़माने में, सखाराम बाइंडर या गिधाड़े ने, विच रियली शुक अप द मिडिल क्लास जेंट्री फ्रॉम इट्स सोफा सेट्स एंड इट्स कम्फर्ट, वही एक हद तक अंजू मल्लिगे ने किया उस ज़माने में। 1979 में बेंगलोर में हम लोगों ने उसे प्रोड्यूस किया, एंड द प्ले वॉज अबाउट इंसेस्ट, कि इट वॉज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर एंड द वैलिडिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप। उस वक्त का जो था बहुत ही समृद्ध कन्नड़ा थिएटर था, क्योंकि बी वी कारांत, गिरीश कर्नाड, श्रीरंगा, इन सब ने नींव तो डाल ही दी थी एक थिएटर ऑफ कंटेंट की। और यहाँ पे अर्बन जो प्लेस चल रहे थे, दे वर नॉट बेडरूम कॉमेडीज, दे वर नॉट मर्डर मिस्ट्रीज, पीपल वर डूइंग कैलिगुला, इडिपस एंड गैलीलियो एंड दंगे मंचने दिनगढ़ु, विच वॉज अबाउट शतरंज के खिलाड़ी का जो स्टोरी है, वो प्लेस कर रहे थे लोग, वेरी वेरी ऑफ ऑफ ब्रॉडवे जिसे हम कहते हैं, वैस उस किस्म का थिएटर बेंगलोर में ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर था। तो मेरे जैसे कमर्शियल थिएटर में अपने रूट्स को बढ़ाने वाली एक्ट्रेस को यहाँ पे कोई काम नहीं था, तो आई हैड टू रियली बोथ शंकर एंड, और शंकर तो था छबिलदास के थिएटर से, तो उसकी जो पढ़ाई थी, उसकी रीडिंग थी, इट वॉज मोर द सार्थ्र, कामू एंड दोस्तोयेवस्की काइंड ऑफ लिटरेचर दैट ही वॉज रीडिंग। सो आई थिंक हैविंग मेट शंकर, आई बिगैन टू ऑल्सो काइंड रीड दैट काइंड ऑफ लिटरेचर, एंड द एक्सपोजर टू द थिएटर दैट वॉज गोइंग ऑन ओवर हियर इन बैंगलोर, वन एक्चुअली दैट इज वेन आई बिगैन टू फॉर्म माई आइडिया ऑफ वॉट काइंड ऑफ थिएटर वुड बी डन वेन यू शिफ्ट योर जोग्राफी, इवन योर थिएटर शुड चेंज, बिकॉज एवरी एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रिचनेस। इनिशियली शंकर और मैंने ये भी किया जो सब लोग करते हैं, कि जहाँ से हम आए हैं उस वहाँ की भाषा के प्लेज ट्रांसलेट करके उन्हें यहाँ पे खेला हमने, तो अपन तो भाई ऐसे हैं, एक प्ले था हिंदी में, उसका ओरिजिनल था मराठी में, अपलबुआ आस है, वो अमोल पालेकर ने किया था, और कुलकर्णी, आई थिंक यस, अनुया और कुलकर्णी, नाम फर्स्ट नेम भूल गई हूँ मैं उनका, उन्होंने किया था ये मराठी में छबिलदास में। तो उस प्ले का अनुवाद करके हम लोगों ने यहाँ बैंगलोर में किया कन्नड़ा में, नोडी स्वामी ना विरोध हीगे के नाम से, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ वो प्ले। बैरिस्टर किया जयवंत दलवी का, यहाँ के अच्छे एक्टर्स को कास्ट करके, तो शंकर ने इनहेरिट किया था ट्रेडिशन एक्टर्स को ट्रेन करने का, और यहाँ पे ट्रेडिशन कारण जी का जो शुरू किया हुआ था वो था ग्रुप, अ लॉट ऑफ फोक, अ लॉट ऑफ फॉर्म, एंड द कंटेंट वाज यूजुअली फ्रॉम द फोक, तो यू डिड नॉट हैव एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्टर्स, एक दो बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे, वरना देर वॉज दिस होल फैंटेस्टिक एटमोसफियर ऑफ एमेटोर थिएटर, जिसमें ग्रुप्स थे, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वुड कम टुगेदर एंड क्रिएट द होल एटमोसफियर ऑफ वॉट वॉज इन द फोक,
इन द फोक स्टोरी, इन द फोक इडियम। तो हम जब यहाँ आए तो कई लोगों ने ये भी अक्यूज़ किया था, अच्छा ये बम्बई वाले लोग आ गए हैं, ये बम्बई का थिएटर करेंगे यहाँ पे। और हम लोगों ने वो किया भी, तो बैरिस्टर किया, नोडी स्वामी किया, बट आई थिंक वी केम इन टू आवर ओन वेन गिरीश का नागमंडला किया हमने, और तब शंकर को पकड़ में आई वो बात जो वो करना चाहता था। तो इट वॉज पैरेलल, आई कांट सेपरेट माई लाइफ फ्रॉम शंकर्स बिकॉज वी वर वर्किंग टुगेदर एंड आई वॉज एक्टिंग एंड ही वॉज डायरेक्टिंग। तो हम लोगों ने अपना खुद का थिएटर भी शुरू किया, थिएटर ग्रुप संकेत, और वहीं से हम लोगों ने काफ़ी प्लेज प्रोड्यूस किए। तब मेरी समझ में ज़रूर ये आ गया कि वी नीड टू डू थिएटर दैट डिमांड समथिंग मोर देन सिंपलिस्टिक आंसर्स। तो वी हैव टू फाइंड एन ईडियम, वी हैव टू फाइंड द कंटेंट दैट विल क्वेश्चन आवर ऑडियंस। किस हद तक हम इसे पूरा कर चुके हैं ये मुझे नहीं पता, आई थिंक इट्स जस्ट अ जर्नी। सो बट माई आइडिया ऑफ थिएटर वॉज फॉर्म्ड आफ्टर वॉज चैलेंज्ड एंड फॉर्म्ड रियली आफ्टर हैविंग कम टू बैंगलोर एंड वोकन अप इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि बम्बे में जब तक मैं थी तब तक हाँ महीने के 45 शो होते थे या 40 शो होते थे, मराठी गुजराती कमर्शियल थिएटर टाटा 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 कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग, बट वेरी लिटिल ऑफ वॉचिंग अदर्स। सिर्फ एक एक बार शंभू मित्रा जी आए थे बम्बई और रविंद्र नाट्य मंदिर में, उनके 3 प्लेज खेले गए थे, एक था रक्त करबी, एक था पुतुल ख्याला और इडिपस, राजा इडिपस और पुतुल ख्याला। यस दीज वर द 3 प्लेज एंड आई रिमेम्बर दैट वॉचिंग दोज 3 प्लेज वॉज लाइक लाइफ चेंजिंग। टू जस्ट सी हाउ 3 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ लिटरेचर थिएटर कुड बी प्लेड आउट विथ सच एन इंटीग्रिटी इन एवरी डिपार्टमेंट। तृप्ति मित्रा थी, उन्होंने पुतुल ख्याला में शी प्लेड नौरा, और राजा इडिपस में शी वॉज योर कास्टा, शंभू मित्रा ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हैड आवर टंग्स हैंगिंग आउट सीइंग हिज परफॉर्मेंस। और रक्त करबी के एंड में, वो रक्त करबी में राजा जो होता है वो प्रिजन में होता है और वो पीछे छिपा होता है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और प्ले के एंड में वो दरवाज़ा खुलता है, राजा बाहर आता है पर अंधेरा होता है, और उन्होंने लाइटिंग सिर्फ पाँव पे रखी हुई थी, एंड यू जस्ट सी दीज लेग्स, यू जस्ट सी दीज फीट रनिंग अक्रॉस द स्टेज, एंड ऑल ऑफ अस वर सो सो हिप्नोटाइज्ड बाय जस्ट द वोकल क्वालिटी दैट शंभू मित्रा दा ब्रॉट टू द प्ले। जब वो जाली के पीछे से बात करते थे पूरा ऑडियंस उस तरफ को खींचता था। आई रियली थॉट दिस दिस वॉज द मोमेंट दैट आई वॉज born to see, this was the moment, this is the kind of moments that I would like to create, this is what the magic of theatre is and this is what we live for. So it was such an electrifying moment in the lives of many many youngsters in theatre. I don't know, there might be many of them around watching, they would be around my age now and remember that moment in our lives that changed the way we looked at ourselves and our work. So coming to Bangalore, I had the opportunity to not have the race of commercial theatre, to have the time to sit down and think about what I was doing, what we were doing, and which direction the work that we were doing was going into. Theatre, of course, by then I had already realized that theatre was my life. I never wanted to be in mainstream cinema. I enjoyed doing theatre much more than anything else in life. So Rangashankara is something that has very, very organically grown. What is the logical life of a life in the theatre? All of you who are watching,
If you are theatre people, I presume that most of you are, every theatre person would like to have a small space in his or her backyard or basement or their house and want to have performances in it. So I was not any different from that. And when I came from Bombay to Bangalore, there was only one theatre in Bangalore, and that was the Ravindra Kalakshetra, which is the equivalent of all the Ravindra Bhavans that are built in every major city of India. What is this? Why is this come on? So Bangalore also had this 1,000-seat auditorium called Ravindra Kalakshetra. और वहाँ पर हम लोग जब एप्लीकेशन देते थे तो 3 महीने में एक बार एक डेट मिलती थी। तो अगर आप थिएटर करना चाहते हो तो आप अपडेट के लिए अप्लाई करेंगे, 3 महीने बाद आपको एक डेट मिलेगी, तो साल में आप 4 शोज कर सकते हैं। और मैं आई थी बम्बई से, हम लोगों को आदत थी कितने शोज करने की, कितने थिएटर्स थे मराठी थिएटर के लिए, तो शिवाजी मंदिर, रविंद्र नाट्य मंदिर, साहित्य संगम मंदिर, और फिर बॉम्बे पूना कोल्हापुर, ट्रैवलिंग ऑल ओवर एंड परफॉर्मिंग। बैंगलोर जब आए तो यहाँ तो थिएटर्स नहीं थे, ये एक ही थिएटर था, रविंद्र नाट्य मंदिर। तो शंकर और मैं हमेशा सोचते थे यार ये दिस इज नॉट फेयर, छबिलदास की तरह एक छोटा सा कम से कम स्कूल में कोई ऑडिटोरियम सा हम लोग अगर, या बड़ा कमरा हमें मिल जाए हम थिएटर कर सकेंगे। तो हमने किया भी एक गोखले इंस्टीट्यूट नाम के जगह में, उनका जो मीटिंग हॉल है उसे भाड़े पे लेकर वहाँ पे स्पॉटलाइट्स अपने ही लगाकर थिएटर किया वहाँ पे, बट इट वाज नॉट द रियल एक्सपीरियंस। तो ये हमेशा हमारे कॉन्वर्जेशन में ये बात आती रही कि बैंगलोर के लिए कम से कम एक एक इंटीमेट थिएटर हम लोग कोशिश करें तो बना सकेंगे। और इससे पहले मैं पृथ्वी थिएटर में परफॉर्मेंस कर चुकी थी। तो जब मैं बम्बई में थी मेरी शादी से पहले, जेनिफर जी पृथ्वी को बांध रही थी और हम सब लोग, हमको ये सुनाई दे रहा था कि शशि कपूर जी की बीवी जो है वो एक थिएटर बांध रही है, वो ब्लैक बॉक्स बांध रही है। हमें किसी को पता नहीं था कि ये ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ होती है। पर जब थिएटर खुला तो उसमें पहले जो फ्यू पहले कुछ चंद शोज थे उनमें से एक था इप्टा का बकरी, उसमें मैं नटी का रोल किया करती थी। जब ये देखा ब्लैक बॉक्स, हम लोगों को लगा कि यार इसमें शो कैसे हो सकता है, ऑडियंस तो यूं गोदी में बैठी हुई है, जरा यूं मुड़ो तो ऑडियंस को पीठ दिखा रहे हो। हाँ, तो जो पुराने डिसिप्लिन के लोग थे उन्हें तो बहुत बहुत मुश्किल महसूस हुई, बहुत मुश्किल महसूस हुई उन्हें। दे कुड नॉट ग्रास्प हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म, हाउ विल दे शो देयर बैक टू द ऑडियंस। बट हम वी वर यंगर एंड वी लव द चैलेंज ऑफ द स्पेस, वी जस्ट लव दिस इंटिमेसी। पर थिएटर को भी बदलना पड़ा, द स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो हैड टू चेंज। सो आई थिंक दैट ड्रीम स्टेड इन मी व्हेन आई केम टू बैंगलोर। हमेशा शंकर को मैं कहती थी यार पृथ्वी थिएटर जैसा एक थिएटर बैंगलोर में बनाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, जब तक शंकर था तब तक ये सपना ही रहा। तो उसके जाने के बाद कुछ हम थिएटर वाले जो दोस्त थे शंकर के साथ काम करने वाले दोस्त थे, हम सब ने मिलकर कोशिश की कई सालों तक कि कहीं जगह मिल जाए हमें थिएटर की बांधने की। और फिर एक कर्नाटका में एक बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के जो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान, सिटी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो होता है, उसमें हर एक्सटेंशन एरिया में एक सिविक एमिनिटीज ग्रुप के लिए कुछ जगह वो लोग ईयर मार्क करके रखते हैं। तो उसमें होता है पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, कल्चरल सेंटर और थिएटर भी। तो ये जो जेपी नगर में हमें जो जगह मिली है, हमने अप्लाई किया
और हमें वो जगह मिल भी गई। इसके लिए ज़रूरी था कि हमारा ट्रस्ट हो, तो हमने ट्रस्ट फॉर्म किया। और गिरीश कारनाट जी, जो जो शंकर नाग के अच्छे दोस्त भी थे, गुरु थे हमारे सबके, वो भी थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ट्रस्ट शुरू करो। तो वो हमारे चेयरपर्सन बने और हम कुछ 5 थिएटर वाले दोस्त, हमने मिलके ये संकेत ट्रस्ट शुरू किया। अप्लाई किया गवर्नमेंट को, और कई सालों बाद, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने अप्लाई किया और दूसरे दिन हमें साइट मिल गई, कई सालों बाद, मतलब मैं कहती हूँ कम से कम 4 से 6 साल लग गए एप्लीकेशन भरने में और साइट को के पेपर्स हमारे नाम में आने में। तो 6 साल बाद हमारा साइट ये हमारे नाम में मिल गया, मिल गया साइट। और फिर हम एक दूसरे को देखते रहे कि भैया अभी पैसे कहाँ से आएंगे, डिज़ाइन कहाँ है, साइट तो मिल गया। तो देन वी गॉट एन आर्किटेक्ट, देन वी एक्चुअली गॉट द थिएटर डिजाइंड। और हमारे आर्किटेक्ट्स ने 3 4 5 6 अलग किस्म के डिज़ाइंस दिए हमें। अंदर भीतर से हमारे पास ये सपना भी था ना कि ब्लैक बॉक्स क्रिएट करना है, तो पृथ्वी से इंस्पायर हो के हम लोगों ने हमारे जो आइडियाज़ थे वो शाहरुख मिस्त्री जो आर्किटेक्ट है उन्हें बताया। और एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि MS सत्यु, मेरा पहला प्ले इप्टा में जो मैंने किया था, खालिद की खाला, ये 40 आंट नाम के इंग्लिश प्ले का उर्दू अडेप्टेशन है, बेगम कुदसिया जैदी ने किया हुआ, उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला था। वो मेरा पहला फुल लेंथ प्ले था इप्टा में, और उसे डायरेक्ट किया था सत्यु साहब ने, तब मैं 16 साल की थी। अब कट टू बेंगलोर, अब हो गए हैं कितने साल सिंस आई जॉइन थिएटर, सत्यु भी हैं यहाँ बेंगलोर में, मैं भी यहाँ बेंगलोर आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक हम सब मिलके थिएटर बांधें, और सत्यु साहब का साथ रहा इस थिएटर को डिज़ाइन करने में। तो सत्यु साहब ने शाहरुख मिस्त्री को सारी वो चीज़ें बता दी जो हर थिएटर में काम नहीं करती। सबसे पहले ये बताया कि अच्छा फला थिएटर में जो है विंग स्पेस नहीं है, फला थिएटर में ये नहीं है, उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग रिपीट ना करें, हम अपनी गलतियां करेंगे पर वी वॉन्ट रिपीट समबडी एल्सेस मिस्टेक्स। और सत्यु शाहरुख को लेके गए, बम्बई लेके गए, NCPA का थिएटर बताया उन्होंने शाहरुख को, शाहरुख मिस्त्री नाम है उनका, सो आई होप यू डोंट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये फिल्म वाले शाहरुख नहीं है, ये आर्किटेक्ट शाहरुख है, शाहरुख मिस्त्री। तो शाहरुख मिस्त्री को लेके गए सत्यु, और उन्होंने इंटीमेट थिएटर बताया वहाँ का, वहाँ का बड़ा थिएटर बताया, पृथ्वी थिएटर बताया, दिल्ली ले गए, दिल्ली में थिएटर्स बताए उनको, और फिर जाके कहीं एक डिज़ाइन बना। और पैसे जुटाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो कई साल लग गए हम लोगों को पैसे जमा करने में, एंड दिस इज हिस्ट्री, द होल स्ट्रगल इज हिस्ट्री। 15 साल पहले रंगशंकरा खुला, 2004 में, और इन 15 सालों में हमारे स्टेज पर 6,000 से ज़्यादा शोज हुए हैं। तो साल में 400 शोज होते हैं, यानी रोज़ एक शो से ज़्यादा, बिकॉज़ सैटरडे संडे को हम लोग दो दो शोज करते हैं, 4 शोज करते हैं। और 21 भाषाओं में थिएटर हो चुकी है, यहाँ शोज हो चुके हैं। रंगशंकरा, आई वुड कॉल रंगशंकरा स्पेशल स्पेस, क्योंकि हमारे देश में लैंग्वेज थिएटर और इंग्लिश थिएटर, इसके बीच का जो चैज़म है ये बहुत बहुत डीप चैज़म है, बहुत बड़ा चैज़म है। जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो हिंदी नहीं जानते, जो हिंदी जानते हैं वो अंग्रेज़ी नहीं जानते, और एक्टर्स तो यहाँ के एक्टर्स वहाँ बहुत कम, देर इज़ वेरी लिटिल मोबिलिटी बिटवीन वन एंड दी अदर। बट रंगशंकरा ने पहले से ही, अपने पहले कदम से ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मैं हिंदी, मराठी, गुजराती और कन्नड़ा, चारों भाषाओं में मैं थिएटर कर चुकी हूँ और अभी भी करती हूँ, तो मेरा ये मानना था कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द डिवाइडर।
वरना बम्बई में भी देखते हैं कि शिवाजी मंदिर में सिर्फ मराठी नाटक होते हैं और कुछ थिएटरों में सिर्फ इंग्लिश और गुजराती थिएटर करते हैं। रंगशंकरा में ऐसा नहीं है। हाँ, चूँकि हम लोग बैंगलोर में हैं और कन्नड़ा थिएटर इज़ मोर वाइब्रेंट, यहाँ पर ज़्यादा ग्रुप्स हैं, कन्नड़ा बोलने वाले लोग हैं और यहाँ की थिएटर वैसे समृद्ध है, एमेटोर थिएटर। तो कन्नड़ा 60% कन्नड़ा थिएटर होता है हमारे रंगशंकरा में, पर बाकी के जो 40% है वो हिंदी और इंग्लिश थिएटर वाले ग्रुप्स यूज़ करते हैं इसे। इस जब हमने रंगशंकरा शुरू किया 15 साल पहले, बैंगलोर में कुल मिला के कुछ 25 या 30 थिएटर ग्रुप्स थे। इन 15 सालों में अभी 75 से ज़्यादा थिएटर ग्रुप्स हैं। सो दैट इज़ द वाइब्रेंस दैट रंगशंकरा हैज़ ब्रॉट। अब तो ऐसा हाल है कि रंगशंकरा में हमारे पास डेट्स नहीं है लोगों को देने के लिए, इतने थिएटर ग्रुप्स हो गए हैं और हमारे पास वी डोंट हैव डेट्स टू गिव देम। तो इसका असर ये हुआ है कि और भी थिएटर्स खुले हैं। सो इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। आई डोंट लुक एट इट एज कॉम्पिटिशन। इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। वी हैव शून्या, व्योमा, कला सौधा, अभी प्रभात वालों ने और 2 थिएटर्स खोले हैं, छोटे छोटे कैपेसिटी के, 230, 300, 150। और कोस चौड़ैया हॉल है जहाँ 1,000 लोग फिट होते हैं। पर हमारा जो विजन और फिलॉसफी है रंगशंकरा का, हम 2,500 रुपये चार्ज करते हैं पूरे दिन के लिए, उसके साथ 20 लाइट्स भी देते हैं और 2 घंटे का एयर कंडीशनिंग देते हैं। तो और 10% ऑफ योर टिकट चार्जेस, दैट्स ऑल वी टेक। वी डोंट अलाउ एनी ट्रूप टू चार्ज मोर देन, नाउ वी हैव चेंज्ड इट टू 500 रुपीज़, वरना टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वॉज ओनली 300 रुपीज़, बिकॉज द फिलॉसफी वॉज दैट पीपल शुड बी एबल टू अफोर्ड टू कम अगेन एंड अगेन टू वॉच थिएटर एंड टू परफॉर्म थिएटर। तो आज अगर हमारे थिएटर में 400 शोज हो रहे हैं, वो इसलिए कि ये बहुत ही अफोर्डेबल थिएटर है। सो वी हैव प्रॉबली चेंज द लैंडस्केप ऑफ ऑडियंसिस इन बैंगलोर एंड परफॉर्मेंस। देर आर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स हु आर चूजिंग टू डू थिएटर। आई ओनली होप दैट वी विल हैव अ डिसिप्लिन ऑफ ट्रेनिंग आर सेल्व्स मोर, रियली प्रैक्टिसिंग द आर्ट बेटर, लर्निंग अ लिटिल मोर ऑन वेज ऑफ डूइंग थिएटर। तो अब रंगशंकरा का काम और भी बढ़ गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने थिएटर ग्रुप्स तो पैदा हो गए हैं, पर इनका ट्रेनिंग कैसे होगा? व्हाट काइंड ऑफ थिएटर इज दिस प्रोलिफरेशन ऑफ थिएटर ग्रुप्स एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट? इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ देर अमंग द क्वेश्चंस देर इज व्हाट आर द चेंजेस दैट नीड टू बी ब्रॉट इन। आई ट्रूली ट्रूली बिलीव दैट देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेनिंग। मैं खुद मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है और मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि कुछ खोट रह गई मेरी ट्रेनिंग में। मैं मेरा पूरा ट्रेनिंग प्रैक्टिकली हुआ है, तो मराठी थिएटर, कमर्शियल थिएटर में अच्छे अच्छे एक्टर लोगों के साथ काम करने को मिला, पर वक्त नहीं मिला किसी चीज़ को यूँ एग्जामिन करने की, उसे रिपेयर करने की। आई वॉज ऑलवेज मेड टू डिलीवर। सो आई रियली फील दैट ट्रेनिंग जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जो अपना टूल किट है। टूल किट में और ज़्यादा औजार हम लोग अगर चाहते हैं अपने साथ तैयार रखना, तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और ये भी ट्रेनिंग इसलिए कि हम पहचाने कि हमारी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वर्जिश करनी पड़ेगी। आजकल के कई कई यंगस्टर्स मैंने देखे हैं, बस थिएटर करना है इस आइडिया से आ जाते हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता, कुछ कुछ पता नहीं होता, पर खड़े रह जाते हैं स्टेज पर और तीसरे दिन उनको टेलीविजन सीरियल में रोल मिल जाता है। 10वें दिन वो यही मान लेते हैं कि मैं तो एक्टर बन गया हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है कि हम
जो सारे हिंदुस्तान में थिएटर वाले प्रैक्टिशनर्स हैं, हम ये पहचान लें कि वी हैव फैंटास्टिक इंडिजिनियस परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस। हर रीजन में हमारे पास अपने ही इंडिजिनियस परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस हैं, वो नौटंकी हो नॉर्थ इंडिया से, या वो भांड हो या किसी भाग से, गोंधड़ है या कुड़ियट्टम है। इतने देर आर सच फैंटास्टिक परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस, वी नीड टू एक्चुअली टीच दोज, वी नीड टू लर्न दोज, वी नीड टू प्रिजर्व दोज, वी नीड टू रियली लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। ऐसा है कि इंडिया में कई लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे वी हैव परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस दैट आर 2000 ईयर्स ओल्ड। केरला का कुड़ियट्टम जो है, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहा एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिस है, 2000 साल पुराना। ये जो हमारे पास वेल्थ है, वी नीड टू रियली ब्रिंग दैट आउट, प्रैक्टिस इट एंड सी वेदर अ न्यू फॉर्म्स कैन बी बॉर्न नाउ। हमने तो उन्हें छोड़ दिया, वो वी जिस काइंड ऑफ लेफ्ट दोज परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस टू द फोक। द डायनामिज्म ऑफ फोक कैन बीट क्लासिकल थिएटर एनी डे। द वे दे मैनिपुलेट, द वे दे यूज द फॉर्म फॉर कमेंट्री, फॉर लिबरेशन, फॉर क्वेश्चनिंग पावर जो फोक का है, वो हमारे थिएटर में पता नहीं, हमारे अर्बन थिएटर में तो आया ही नहीं। हमें फोक, हमने यूज किया फोक के फॉर्म को ही, बट वी नेवर इवन ट्राइड टू ब्रिंग दैट टाइप ऑफ कमेंट्री, दैट पावर ऑफ क्वेश्चनिंग द पावर्स दैट आर, वी डिड नॉट ब्रिंग दैट इनटू आवर अर्बन कंटेम्पररी स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्रांड इंडिया काइंड ऑफ ब्रांड कमिंग आउट ऑफ दिस, विच इज नॉट रिलीजियस, which is not didactic, which is extremely free-flowing, but which celebrates jo apne paas rasa theory hai, which we nobody even knows the basic tenets of the rasa theory. If we are able to understand it, jo apna natya shastra hai, uske permutation combinations usme jo diye hue hai rasa ke, if we are able to actually understand them and create, I'm truly hoping that India will come up with the best, because we have the best stories with us, we have the best variety, we have such a variety of languages, sab hai hamare paas. So I'm really hoping that we will have more theaters like Rangashankara in India. Ab ho gaya hamare theater ko 15 saal, in 15 saalon mein ek aur Rangashankara jaisa theater meri to sunai mein nahi aaya कि खुला है कहीं। अगर आप में से कोई ऐसा एक थिएटर बांधना चाह रहा हो तो ज़रूर मेरे साथ बात कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय मिस्टेक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर हाउ वी रेज द मनी एंड हाउ आर वी रनिंग दिस प्लेस फॉर द लास्ट 15 इयर्स। बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि मैं एक्ट्रेस थी, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, और ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ, और ना ही मैं फिल्म जगत की बड़ी स्टार हूँ। तो ये कैसे हम लोगों ने अचीव कर लिया, हम तो थिएटर वाले लोग हैं। बेंगलोर के लिए मुझे कई कई सलाम देने पड़ेंगे बेंगलोर वालों को, कि ऑडियंस हमें बहुत ही एनकरेज करती आई है, और यहाँ के जो कुछ शुड आई से पैसे वाले इंडस्ट्री के लोग, आईटीबीटी के लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। मैं इस शो में नाम नहीं लेना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि हर शहर में चार तो कम से कम फैमिलीज़ होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। अगर ये फैमिलीज़ ये ठान ले कि हाँ, हम हमारे छोटे से शहर में एक इंटरनेशनल क्वालिटी का छोटा सा थिएटर बांधेंगे, उसे शादी ब्याह के लिए नहीं देंगे, उसे सिर्फ नाटक के लिए देंगे, सिर्फ म्यूज़िक, सिर्फ परफॉर्मेंस आर्ट के लिए देंगे, और हमारे इस छोटे से शहर की जो जनता है वो देख सकेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है लाइव परफॉर्मेंस आर्ट में, और हमारे यहाँ के बच्चे उस आर्ट में माहिर हो सकेंगे, ट्रेनिंग हो सकता है।
तो अगर आपके शहर में अगर ऐसी कोई इच्छा हो किसी को, मैं आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर ड्राइंग्स, शेयर द मॉनिटरी प्लान, शेयर हाउ वी डू इट, कम एंड टॉक टू द रिच पीपल इन योर सिटी एंड शो देम रंगशंकरा, शो देम व्हाट हाउ अ स्मॉल थिएटर लाइक दिस कैन चेंज द होल कल्चरल फैब्रिक ऑफ अ सिटी. ओपन ऑफर टू एवरी वन. एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट टू योर गवर्नमेंट्स कि ऐसी सिविक एमिनिटी साइट्स अगर गवर्नमेंट अलाट करे तो फिर किसी के पर्सनल लैंड पे थिएटर बांधने की नौबत ही नहीं आएगी. तो ये गवर्नमेंट के लैंड पर होगा, ये लीज़ किया हुआ लैंड होगा, बहुत कम रेंट पर ये लैंड हमें दिया जाता है कि हम थिएटर चला सकें. तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है और ये थिएटर चलाता है. मेरा विजन थिएटर के लिए तो मैंने सुना ही दिया आप लोगों को, कुछ विजन है कि इंडिया के हर बी टाउन में, हर छोटे शहर में एक रंगशंकरा जैसा थिएटर हो, जहाँ पे यंगस्टर्स देख सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है, और हम सब आएंगे आपके शहरों को थिएटर लेकर. ये मेरा विजन है. और मैं चाहती हूँ कि जो बहुत ही उच्च श्रेणी के क्वालिटी के थिएटर करते हैं लोग, दे शुड बी एबल टू सस्टेन देयर लाइफ. वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग सस्टेनेबल लाइव्स फॉर एक्सेलेंस इन थिएटर. हमारे इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो थिएटर से ही अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, घर का चूल्हा चक्की सब कुछ. इसीलिए कई लोगों को टेलीविज़न भी करना पड़ता है. बेशक करें, टेलीविज़न से पॉपुलैरिटी मिलती है, पर थिएटर को ना भूलें, क्योंकि दिस इज़ वेयर एवरीथिंग हैपेंस. दिस इज़ द पेट्रा डिश इन विच एक्सपेरिमेंट इज़ पॉसिबल. एंड देयरफॉर आई रियली, माई ड्रीम इज़, आई एम पुटिंग अ प्रपोजल टुगेदर टू बी एबल टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर एटलीस्ट एवरी स्टेट शुड हैव इट्स ओन रिपर्टरी. आई फील दैट लाइक दी कंपनीज हैव इट्स, आई डोंट वॉन्ट टू मिसलीड देम बाई सेइंग दैट दे हैव IPL टीम्स, बट कंपनीज कैन श्योरली हैव अ रेपर्ट्री एंड बी प्राउड दैट दे आर फंडिंग अ थिएटर कंपनी एंड गुड थिएटर कैन बी प्रोड्यूस्ड. सो आई विल लीव ऑल ऑफ यू विद दिस थॉट दैट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ एजुकेटिंग the heads of companies that it is not always only the most popular art that lasts the test of time. It is very important to keep experimentation alive. Lastly, during this time of COVID, my heart goes out to all those artists who have lost their livelihoods. उन सब कलाकारों के लिए मेरा दिल, मैं क्या कहूँ, जो बहुत दुख होता है, जिनके रोजी रोटी छिन गई है, जिनको अभी शोज नहीं मिल रहे. कलाकार का जो जीवन है वही एक ऐसी धार पे, छुरी की धार पे चलने जैसा है. मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी कमर्शियल थिएटर कर चुकी हूँ, और जिस महीने में पैसे नहीं मिले उस महीने में ज़रूर मैंने महसूस किया है कि मेरी पूरी जो थी लाइफस्टाइल वो चेंज हो रही थी. एक ज़माना था जब शंकर के पास फिल्म्स भी नहीं थे और हम लोग थिएटर किए जा रहे थे, क्योंकि थिएटर तो करना हमारे लिए अनिवार्य था. दैट वाज आवर, दैट केप्ट अस अलाइव. बट वी वर नॉट, वी हैड नो मनी एंड वी वर स्टिल डूइंग थिएटर एंड वी न्यू हाउ पेनफुल इट इज़ टू सर्वाइव. बट वी रियली नीड टू, ऑल ऑफ अस आई थिंक, एवरीबडी हु हैज़ मोर देन द अदर्स नीड्स टू ओपन देयर हार्ट्स एंड रीच आउट. यहाँ कर्नाटका में जैसे हर शहर में मुझे लगता है थिएटर वालों ने बहुत अपने लोगों को मदद की है, पर कर्नाटका में एक एसोसिएशन है बैक स्टेज आर्टिस्ट और उनकी अभिवृद्धि के लिए. तो उस एसोसिएशन ने पीस टाइम में, कोविड से पहले,
सारे आर्टिस्ट लोगों को एनकरेज किया था कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले। मैंने ये देखा है कि हमारे देश में आज भी बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है। मेरे ही कई दोस्त हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। मेडिक्लेम पॉलिसी लेना मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर अस्पताल में गए तो वो लोग तो लाख से कम का बिल ही नहीं देते ना। सो वी नीड रियली सम सिक्योरिटीज टिल द गवर्नमेंट फिनिशेस दिस होल प्लान ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दैट इट हैज़ टेकन अप। यहाँ की जो रंगशंकरा से हमने कई आर्टिस्ट लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं, अब 2 महीने के शायद प्रोविजंस ही आ जाएं उसमें। और रंगशंकरा से हम लोगों ने कुछ हमारे दोस्तों ने हमें पैसे दिए हैं, तो अभी 6 नाटक कमीशन किए हैं, 6 छोटे छोटे नाटक जिसमें 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, और रिहर्सल शुरू हो गए हैं। तो इन नाटकों को हम यहाँ स्टेज पर रिकॉर्ड कर लेंगे, स्ट्रीम करेंगे, और जब कभी ये सारा कोविड का जो है ये बवाल कुछ सुलझेगा इसका, और हमें ऑडिटोरियम में कम से कम 100 लोगों को बैठने की अनुमति देगी सरकार मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन करके, तो शायद शोज़ भी होंगे। पर ज़रूर हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी को एनकरेज करने के लिए और उन्हें ज़रा कुछ हौसला देने के लिए हमने ये 6 प्रोडक्शंस इनिशिएट किए हैं। इस साल का रंगशंकरा का फेस्टिवल अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 28 से शुरू होगा और ये होगा 1 हफ्ते का। तो हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे शंकर नाग अवार्डीज के जो प्लेज हैं, 6 यंगस्टर्स को अवार्ड मिले हैं ये शंकर नाग अवार्ड अब तक। तो इनके जो प्लेज हैं उन्हें हम स्ट्रीम करेंगे। वी आर ट्राइंग टू कीप द एक्साइटमेंट गोइंग। स्टे विथ अस एंड स्टे विथ थिएटर ऑफ कोर्स। आई वॉन्ट टू थैंक बलवंत ठाकुर फॉर इन्वाइटिंग मी। वी हैव एन्जॉयड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ नटरंग थिएटर ग्रुप इन जम्मू, और उनका जो सारा टीम है, यंगस्टर्स हैं उसमें, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। मैं आई विश ऑल द यंगस्टर्स ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वेन एवर एनी ऑफ यू कम टू बैंगलोर, प्लीज़ प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू गेट इन टच विद अस। और मैम इसी व्हाट डू यू कॉल इट, आई एम कन्विंस्ड दैट इफ यू कम टू बैंगलोर ऑब्वियसली यू विल कम टू बैंगलोर टू परफॉर्म इन रंगशंकरा, वरना आप बैंगलोर क्यों आएंगे? अचानक अचानक अगर ऐसा हुआ कि आप किसी शादी के लिए आए हैं या किसी और काम के लिए आए हैं, तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टू कीप इन टच विथ एनी बडी, एनी थिएटर पर्सन हु कम्स टू बैंगलोर। इफ़ द थिएटर इज ओपन, प्लीज़ कम एंड वॉच। Somebody wants me to share my vision of theatre in addition to the Rangashankara experience. I don't have, I mean, there is a Rangashankara experience. I shared the vision also. My vision is that every small town in India should have a world-class theatre in which world-class performances are taken to the people of that geography. And that space should be able to celebrate the local talent, the local forms of theatre and music. That is my dream. I mean, why should only Bombay have a Prithvi Theatre and Bangalore have a Rangashankara? And I think there is one theatre in Amritsar also. I forget the name, but it's a beautiful theatre. There are very few. You can, for a big country like India, if you can count the theatres, well-equipped theatres on your fingertips, it's a shame. So my vision is really theater should become affordable for people to use. Theater should become sustainable so that youngsters can take theater as a career option. And there should be more Rangashankaras. If you have any questions, I'm happy to take them. I did not speak about my Naresh Gulati asks, what is the estimated project cost for a well-equipped Rangashankara-like theatre?
दिस इज एन एक्सपेंसिव थिएटर बिकॉज वी द ग्राउंड फ्लोर इज ओपन एंड द ऑडिटोरियम इज ऑन टॉप, सो द लोड बेरिंग हैड टू गो 15 फीट अबाउ द ग्राउंड, बट द साइट ऑफ रंगशंकरा इज जस्ट 100 फीट बाय 100 फीट, विच इज हार्डली अ क्वार्टर एकर. एंड 15 ईयर्स अगो दिस थिएटर कॉस्ट अस अराउंड 5.5 करोर्स मिनिमम. या बट आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्री. आई वॉज बेगिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स. आई वॉज कलेक्टिंग मनी एंड कलेक्टिंग मटीरियल. सो द सीमेंट वॉज गिवन बाई द जिंदल्स टू अस एंड स्टोन वॉज गिवन बाई माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट. फोम फॉर द सीट्स वॉज गिवन बाई समबडी एंड इन द टॉयलेट्स द पॉटी वॉज गिवन बाई समवन. द टाइल्स वॉज गिवन बाई अनदर कंपनी. तो इस बिल्डिंग को तो सभी लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया है. ऐसा बिल्डिंग आपको शायद इंडिया में नहीं मिलेगा. लोग मंदिर बांधने के लिए देते हैं, स्कूल बांधने के लिए देते हैं, पर थिएटर बांधने के लिए बहुत कम जगह मिलेंगे आपको जहाँ लोगों ने दिया है ऐसे कि स्विचेस आर डोनेटेड बाय समबडी एंड लाइट फिटिंग बाय समबडी एल्स. तो आज के ज़माने में अगर आपको रंगशंकरा का कार्बन कॉपी बनाना है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड मिनिमम 15 करोर्स, विच इज़ नॉट मच. बट यू कैन बिल्ड अ चीपर थिएटर. यू डोंट हैव टू स्पेंड दिस मच मनी. आई शुड थिंक इन अराउंड 10 करोर्स इट शुड बी पॉसिबल. वी आर डन. थैंक यू नटरंग फॉर इन्वाइटिंग मी. थैंक यू एवरीबडी आउट देयर फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल फॉर द थिएटर पीपल. एंड आई होप वी विल मीट इन बेटर टाइम्स. सो टेक केयर. हैव अ नाइस डे.